आज बात करेंगे बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक की। फिर बड़ी मुश्किलें, राजस्थान के बहुत चर्चित विद्युत निगम के एईएन के साथ मारपीट के मामले में धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में विद्युत निगम के एईएन के साथ मारपीट का मामला धौलपुर जिले के SC ST कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, जिस मामले में पूर्व विधायक जमानत पर चल रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दी गई पूर्व विधायक की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रद्द करने के फैसले के बाद उन्हें सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस बी रामसुब्रमण्यम और अरविंद कुमार की बेंच ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की विशेष अनुमति याचिका को लंबित रखा है और उनके सरेंडर करने के 4 हफ्ते बाद इस पर आगे की सुनवाई की तारीख तय की है। आपको बता दें कि 28 मार्च 2022 को बाड़ी उपखंड के विद्युत निगम कार्यालय पर तैनात सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ करीब 1 दर्जन लोगों ने बेरहमी से मारपीट की थी। सहायक अभियंता से मारपीट के आरोप पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर भी लगे थे। सहायक अभियंता के साथ की गई मारपीट का मामला राजस्थान प्रदेश में बहुत चर्चित रहा था। तत्कालीन समय में देश के राजनेताओं के लिए यह मामला सुर्खियां बन गया था। तत्कालीन समय में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने राजनीतिक दबाव के चलते 11 मई 2022 को जयपुर पुलिस आयुक्तालय के समक्ष सरेंडर किया था। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 मई को जमानत दे दी थी। CID CB ने मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। हमले में घायल सहायक अभियंता के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए थे और तत्कालीन समय में उन्हें जयपुर SMS रेफर कर दिया गया था और वर्तमान में भी उनका उपचार चल रहा है। 5 जुलाई 2024 को जमानत के बाद पूर्व विधायक के सार्वजनिक आचरण के साक्ष्य और आरोपों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी और उन्हें 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 22 जुलाई 2024 को पूर्व विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। सहायक अभियंता से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम सामने आने पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में टिकट काट दी थी। टिकट कटने के बाद गिरिराज सिंह मलिंगा ने BJP ज्वाइन कर ली थी और BJP की टिकट पर बाड़ी से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था। विद्युत निगम के AEN के साथ की गई मारपीट का मामला राजस्थान प्रदेश में बहुत चर्चित रहा था। तत्कालीन समय में प्रदेश के राजनेताओं के लिए यह मामला सुर्खियां बन गया था। मारपीट के आरोप पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर लगने के बाद प्रदेश में दलित जाति के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दबाव देकर पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जयपुर में पुलिस आयुक्तालय के समक्ष सरेंडर कराया था।